आज मैं श्रावण मासी हर्ष मानसी नामक एक कविता पढ़ूंगी, जिनके कवि बाल कवि है। और मराठी साहित्य में बाल कवि केवल अपने निसर्ग के कविताओं के लिए जाने जाते हैं। और मुझे इनकी एक विशेषता बड़ी अच्छी लगती है कि आप पढ़ते ही मन में चित्र बना सकती है इनके शब्दों से। मैं शुरू करती हूँ, और मेरी मराठी थोड़ी कच्ची है तो गलतियों के लिए माफ कीजिएगा। और मैं कविता बोलने के बाद समझाने का प्रयास करूंगी। श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाते सोही कडे, क्षणांत येते सरसर शिरवे, क्षणांत फिरुनी ऊन पडे, वरती बघता इंद्रधनुचा गोप दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधले नभो मंडपी कुणी भासे, झालासा सूर्यास्त वाटतो सांज आहा हा तो घडे, तरु शिखरावर उंच घरावर पिवळे पिवळे ऊन पडे, उठती वरती जलदानवरती अनंत संध्या राग पहा, सर्व नभावर होय रोखिले सुंदर तेचे रूप महा, बलाकमाला उडता भासे कल्प सुमांचे माळीच ते, उतरुनी ही येती अग्निवरती ग्रह बोलती की एक मते, फडफड करुनी भिजले अपुले पंख पाखरे सर्वती, सुंदर हरिणी हिरव्या कुरणी निजब बाळांसह वागडती, खिल्ला रे ही चरती राणी गोप ही गाणी गात फिरे, मंजूळ पावा गाई तयांचे श्रावण महिमा एक सुरे, सुवर्ण चंपक फुल्ला विपिनी रम्य केवडा दरखळला, परी जात ही बघता भामा रोष मणीचा मावळला, सुंदर परडी घेऊनी हाती परोपकंठी शुद्धमती, सुंदर परडी घेऊनी हाती परोपकंठी शुद्धमती, सुंदर बाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री फुडती, देव दर्शना निघती ललना हर्ष मावे ना हृदयात, देव दर्शना निघती ललना हर्ष मावे ना हृदयात, मदनी त्यांच्या वाचून घ्यावे श्रावण महिन्याचे गीत, श्रावण महिन्याचे गीत। धन्यवाद। थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दीजिए हमको। वैसे तो समझ में आ गया, मुझे लगता नहीं कि हमें बताने की जरूरत है, हम लोग समझ गए हैं। कवि ने कहा है कि श्रावण मास जो है वो खुशी का मास है, तो इसमें उन्होंने इंद्रधनुष को एक तोरण के भांति, इंद्रधनुष को एक तोरण कहा है, और कहा है कि ये ऐसा मास है कि एक क्षण में ही बारिश आ जाती है, तो अगले ही क्षण हमें सूर्य सूर्य किरणों का अनुभव होता है। और लोग जो रहते हैं वो इस मास में सुबह सुबह जाकर फूल इकट्ठा करते हैं, यानी घर जाकर वही देव को दे सके। और बहुत हरियाली होने के कारण जो पशु पक्षी है, जो हिरणी है, वो बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चे के साथ घूमती है। और उसी कारण जो गोपी और उनकी गायें हैं वो भी खुश होते हैं, और साथ ही में इसी कारण घर की जो ललनाएं होती है वो देव दर्शन के लिए मंदिर जाती है।